एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर रिच बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम कमांड लाइन का यूज़ एकदम प्रो की तरह कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी कमांड यूज़ करेंगे वो हैकर भी बहुत बार यूज़ करते हैं। अगर आप उसने रिवर्स शेल की मदद से किसी के पीसी को हैक कर लिया और उसके बाद उसका पीसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब वो हैक्ड हो चुका है, उसका पूरा का पूरा कनेक्शन, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसी हैकर के पास है, तो वो कैसे कैसे इन कमांड्स का यूज़ करके उनका गलत उपयोग कर सकता है और कुछ ऐसी CMD की ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी उसे बोल सकते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे काफ़ी काम आएंगी, जो आपको एक CMD का प्रो बना देंगी। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना Paytm नंबर दे रखा है, तो अगर आप जितनी भी हेल्प कर सके तो कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक कलर चेंज करने वाली कमांड बता देता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पता होती है, मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूल है और नहीं पता होती कुछ लोगों को। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डालना है COLOR, कलर वाला कलर नहीं है, COLOR वाला है। उसके बाद आप 3 डाल देंगे तो अलग कलर हो जाएगा, COLOR। उसके बाद आप कुछ भी जैसे 6 डाल देंगे तो अलग कलर हो जाएगा, 7 डालने के बाद वापस से वाइट हो जाएगा, और अगर आप कुछ भी 2 डाल देंगे तो ये ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड हमारी आती है टास्क लिस्ट, तो हम उसको चला लेते हैं पहले। मैं इसको एक बार बड़ा कर लेता हूँ। तो टास्क लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, ये हमें सब इन्फॉर्मेशन दे देता है जो जो टास्क हमारे इसके अंदर रन हो रखे हैं। तो इससे हैकर क्या यूज़ करता है, अगर मान लीजिए उसने आपके पीसी पे कंट्रोल ले रखा है तो वो ये कमांड चला के देख सकता है कि कौन कौन से टास्क अभी आपके पीसी में चल रखे हैं। हम इसको किल भी कर सकते हैं टास्क किल कमांड से। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो आती है नेट स्टार्ट, तो एक बार चला के देखते हैं उसको, नेट स्टार्ट। ये मैंने चला दी नेट स्टार्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी हमें सेम हमारे पीसी के अंदर जो जो भी चीज़ें चल रही होंगी उसके बारे में बता देगा। तो एक हैकर, अब मैं एक हैकर की तरह बात करूँ, तो हैकर क्या करेगा, अगर वो रिवर्स शेल की मदद से इसके अंदर कुछ भी कमांड को ना किल कर सकता है। सेम उसको भी पता है क्या क्या चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम ला सकती है। जैसे यहाँ पे 2 हमें दिख रहे हैं, विंडो डिफेंडर एंटीवायरस सर्विस और विंडो डिफेंडर फायरवॉल, ये दोनों जो कि एक हैकर के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। तो वो क्या करेगा, इनको यहाँ से किल कर देगा। किल करने के लिए सिंपल कमांड आती है नेट किल, और उसके बाद उसका नाम आता है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो दूसरा है हमारा IP कन्फिग, तो मैं अगर एक बार डालूंगा तो बहुत लोगों को पता हो कि IP कन्फिग क्या होता है। लिनक्स में ये होती है IF कन्फिग और इसके अंदर होती है IP कन्फिग। तो एक सेकंड, ये शायद बिना स्पेस के आती है, हाँ ये बिना स्पेस के चलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें सबके बारे में बताया था, हमारे ईथरनेट, हमारा वायरलेस लैन, हमारा वाईफाई, जो भी ईथरनेट इसके साथ कनेक्ट होगा उसके बारे में डिटेल दे देगा, उनकी IP हमें दे देगा और गेटवे, सबनेट मास्क, उनका मैक एड्रेस भी हमें आराम से शो करके दिखा देगा। फिर आती है हमारे एक बहुत अच्छी कमांड जिसका नाम है सिस्टम इन्फो। तो एक बार चला के देखते हैं इसको। तो सिस्टम इन्फो से क्या होता है, ये हमारे पीसी के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन ही हमें दे देगा। जैसे उसका नाम, उसका OS वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैन्युफैक्चर कौन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बिल्ड टाइप क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, सिस्टम बूट टाइम क्या है, ऑलमोस्ट सारी डिटेल ही हमें दे देगा जो कि हमारे लिए नेसेसरी होती हैं। उसके बाद अगर आपने वर्चुअल को भी कुछ चला रखा है तो उसके बारे में भी बता देगा, जैसे वर्चुअल मेमोरी का मैक्सिमम साइज़ ये है, वर्चुअल मेमोरी अवेलेबल इतनी है, यूज़ इतनी है। बाद में नेटवर्क कार्ड के बारे में भी बता देगा, हाइपर वी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी आपको बता देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कमांड है। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे अगर मुझे किसी फोल्डर को CMD में जाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया था। तो मैं कोई भी एक रैंडम फोल्डर उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से सी में जाता हूँ, मैं प्रोग्राम फाइल्स, और ये मैं चला गया कॉमन फाइल्स में। तो अब मुझे ये ना CMD के अंदर खोलना है, तो मैं इतना बड़ा पाथ तो डालने से रहा, मतलब क्यों डालें जब हम यहाँ से ही सीधा जा सकते हैं। ये मैंने करा, मैं यहाँ पर CMD टाइप कर दूंगा जब, तो ये सीधा कमांड लाइन में खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कॉमन फाइल्स में ईजिली आ गए। तो ऐसा ही अगर मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा पाथ है, जैसे मैं अंदर ही अंदर जाता रहता हूँ, कुछ भी खोल लूँगा मैं इसके अंदर, सिस्टम में गया, यहाँ पे गया और इसके अंदर ये खोल लिया मैंने। तो अब यहाँ पे जब मैं CMD डालूँगा तो कमांड लाइन के अंदर सेम इसी पाथ से ये खुल जाएगा, जैसे प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर कॉमन फाइल, सिस्टम, MS ADC और उसके बाद इंग्लिश US वाली। तो
ये था आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी कमांड जो आपको CMD के अंदर थोड़ा सा बेहतर बना देंगी। और भी बहुत सारी कमांड है लेकिन ये वीडियो के अंदर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अपने चैनल पर हैकिंग से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड भूलिएगा मत, डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का नंबर है, तो जिसको भी जितनी भी हेल्प करनी है कर सकता है, और नहीं करनी तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तक के लिए शबा खैर।